मैसेज है कि आप जो है इससे दूर रहो और आगे बढ़ो लाइफ में और कुछ करियर करो। और सेकंड चीज और कि मुंबई में लाइक 2 से 2500 फिल्में रोज मतलब हर साल बनती हैं, उसमें से बहुत ही कम फिल्में होती हैं जिनका थिएटर का चेहरा दिख पाता है, थिएटर देख पाते हैं। तो आई वुड थैंक्स टू विनोद सर एंड विशन यादव सर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, कि इन्होंने इस फिल्म को यहाँ तक लाया और इसको थिएटर में रिलीज कर रहे हैं जो कि 18 अक्टूबर को हो रही है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, इट्स माई फर्स्ट फिल्म, इंट्रोडक्शन है मेरा, तो आई एम रियली हैप्पी कि सर ने मुझे इस लायक समझा, मेरे स्किल को समझा और यू नो मुझे इस काम में यू नो दिया। तो एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, ऑल कास्ट एंड क्रू, थैंक यू सो मच। One of the singers from his film, Love in College. So, अचानक हम लोग एक दिन उनके इधर चले गए मूरख पे और पापा और उनकी बहुत अच्छी नहीं जा रही है। नैन राठौड़ के बेटे हैं जो सिंगर है। तो ऐसे उन्होंने पूछा कि ये भी गाता है, बोला हाँ गाता है, तो मैं बोला हाँ मुझे भी चांस दे दो। तो बिना कुछ सोचे तुरंत मुझे गाना गवा दिया। इतने अच्छे लोग हैं, वो मूवी में इतनी अच्छी कास्ट है, ऐसा तो दो लाइन वेरी फन। अच्छा गाना है थोड़ा फास्ट नंबर है, बेबी फाड़ू है तेरा ये डांस, आजा कर लेना मुझसे रोमांस, बेबी फाड़ू है तेरा ये डांस, आजा कर लेना मुझसे रोमांस, बेबी फाड़ू है तेरा ये डांस, आजा कर लेना मुझसे रोमांस। विनोद जी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और शुरुआत बहुत अच्छी है इनकी। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सभी देखें और काफी लोगों का कैरियर इससे जुड़ा हुआ है, इनकी बेटी का कैरियर है और विशन जी का है, हमारे हीरो साहब हैं, तो एहसान भाई हैं, तो सभी का कैरियर काफी जुड़ा हुआ और सभी ने बहुत मेहनत से लगन से इसमें काम किया हुआ है। तो मेरी बेस्ट विशेज इनके साथ है, ये फिल्म अच्छा कलेक्शन करे, अच्छा वर्क करे, यही मेरी कामना है। और ये जो फिल्म है हमारी जैसे जनरेशन के लिए बनी इजाद है, मेरा ख्याल है कि जैसे लोग नशा या चीज़ें हमारी ही जनरेशन से स्टार्ट रहती है, तो हमारे जैसे लोगों को देखना चाहिए और इससे प्रेरित होना चाहिए और जो इसमें मैसेज दिया गया है उससे अपने आप को सुझा दें। जिन्होंने पहली बार जिनको मौका मिला, इवन फॉर मी लाइक एज अ सिंगर किसी फिल्म में गाना, ये भी और स्पेशली सच एक्सपीरियंस लाइक सिंगिंग विद शान एंड हैविंग स्पर्श विद मी ऑल्सो, सो ऑल दिस वॉज अ वेरी इंजॉयबल जर्नी और ऑल्सो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखी है। आई होप सभी ने सीखी होगी। वी नो वेयर वी हैव मिस्टेकन, वी नो व्हाट आर द गुड पॉइंट्स दैट वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड। सो आई वुड लव टू सी अस टुगेदर ग्रोइंग। और जब शुरू से जानता था तो जब इसकी आवाज़ सुना तो मैं बोला मुझे जो इतनी अच्छी गाती, तो बोले कि गाने से अच्छा है कोई फिल्म ही ऐसा बनाई जिसमें लगे कि बच्ची का भी करियर हो साथ में। और इस बच्ची ने जब गाया तो कुछ मुझे इसके सोच में कहना कुछ ख्वाब निगाहों में है वो ख्वाब सजा दे, मुझको मेरी वफा का खुदा कुछ तो सजा दे। पल में कैसे क्या हो जाए, सदियों को लम्हों में भर ले, ख्वाब अधूरे रह ना जाए, करना है जो आज तो कर। एक राजेश मेरा बहुत पुराना दोस्त है और हम लोग और ये पुराना ही एक्चुअली इतना बढ़िया कंपोजर है, हमने इनको देखा है को बोलते हुए कि सर आपका सुर बहुत निकल रहा है। उन्होंने उदित नारायण, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज साहब से सबसे ज़्यादा गाना इन्होंने गाया, ये रीजनल और शब्बीर कुमार बढ़िया अलग। बहुत लड़ाई होता है
क्लासिकल सॉन्ग है जो इस गुड़िया ने बहुत प्यारा गाया है, उसके गाने हैं सजना 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 ओ मेरे सजना तुम क्यों ना आए सजना मैं रात भर जलती रही तन्हा और ये जो तोसे जो नैना लगा है जो गाना जो है उसमें म्यूजिक मैंने किया है और थैंक यू बोलता हूँ मैं विनोद सर को कि उन्होंने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में लाखों करोड़ों ऐसे स्ट्रगलर घूमते रहते हैं जिनको मौका नहीं मिलता है। तो मैं थैंक यू कहूँगा बार बार सर को कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया काम करने का। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ नरेंद्र चौहान। इस फिल्म में मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ, मेरे साथ में सरफराज खान भी हैं जो अभी आज आए नहीं हैं, हम साथ सब दोनों ने साथ में मिलकर किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू विनोद सर एंड वन ऑफ द माई बिग ब्रदर, लाइक हमने साथ में बहुत काम किए, विशन सर जी थैंक्स एंड ऑल ऑफ यू थैंक्स। मुझे एक वन वीक का प्रैक्टिस कराया था आपने। फर्स्ट थिंग तो मैं राजेश जी का जो गाने सब सुने और सुष्मिता के गाने सब सुने, इसने सुना है मेरे गाने में कुछ, सर ये गाने बहुत अच्छे प्यारे गाने हैं, कुछ कोशिश की है हम लोग ने यहाँ पे कुछ करने की। तो हम चाहते कि ये जब भी मूवी रिलीज होगी तभी आप सबको प्यार चाहिए, ऐसे ही प्यार चाहिए आप लोगों का जो स्टार्ट टू एंड ये पिक्चर आप थिएटर में जाके देखिए, हमारी यही दुआ है। एंड थैंक्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये मेरी पहली फिल्म है, जब मैं मुंबई आया था तो विनोद सर से मिला था, तो उन्होंने मुझे कास्ट किया, विशन सर से मिला था, बहुत अच्छा लगा इसमें काम करके। और ड्रग्स वगैरह हम ही ले रहे हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सब बोलते हैं कि हमारे पापा के टाइम पर ड्रग्स नहीं था, ये नहीं था, मैंने भी स्कूलिंग अपनी 8 साल पहले की है, मुझे भी नहीं पता था ड्रग्स क्या है। तो ये 5-6 सालों से ही हुआ है कि बियर शराब ड्रग्स ये सब लड़के कॉलेजों में स्कूलों में शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने स्कूलिंग टाइम में कभी कुछ नहीं किया था, ना मुझे पता था ड्रग्स क्या है। फिल्म के बाद लेना स्टार्ट किया, छोड़ दिया। फिल्म में तो हम ड्रग्स ही ले रहे हैं, घर वाले कह रहे सही में लेने लगे थे क्या, नहीं अच्छा लगा, लेकिन अच्छा मैसेज है ड्रग्स नहीं जाओ वगैरह में, बहुत ड्रग्स चल रहा है, बहुत बेकार हो रहा है, तो इससे कुछ अच्छा होगा मूवी देखने के बाद सबको, तो आप सब जाकर देखें, बच्चों को दिखाएं, स्टूडेंट सब देखें तो अच्छा रहेगा। ड्रग्स लेना हमारी तरह देखकर जो हम लेते थे वो सब नहीं था। Hi, my name is Danish Rana and मैं फिल्म के बारे में तो पहले मतलब बाद में बताऊँ, लेकिन मैं अभी विनोद सर के बारे में बता दूँ, इसलिए नहीं कि वो हमारे प्रोड्यूसर हैं, बट इसलिए भी क्योंकि वो लाइफ के जर्नी में ना मतलब ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी, मतलब ही इज़ माई टीचर। आई जस्ट वांट टू से कि सभी कुछ याद है मुझको कि तुमने क्या क्या सिखाया है, सभी कुछ याद है मुझको कि तुमने क्या क्या सिखाया है, वो सभी छोड़ भी दूं तो तुमने मुझे मुझसा बनाया है। DD1 का एक सीरियल करने के बाद मैं ऐसे ही घूम रहा था और एक डिज़ाइनर दोस्त के पास गया था, वहाँ पे विनोद सर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला क्या करते हो, मैंने कहा सर मैं एक्टिंग वगैरह करता हूँ, कहने लगे ठीक है फिर आ जाओ कल से मैं एक तुम्हें एल्बम में कास्ट करता हूँ, ऐसे थोड़ा ही होता है। हाँ मतलब कास्ट के लिए तो धक्के वक्के खाने पड़ते हैं ना, मतलब सर ने बोला आ जाओ कल से, फिर मैं गया, उसके बाद मूवी भी की सर के साथ, एल्बम भी की। लेकिन एक और मोड है लाइफ का जहाँ पे वो अभी मेरे साथ खड़े हैं, नाउ आई एम डूइंग एज अ डायरेक्टर एंड ही इज विद मी ऑलवेज, मतलब बनानी होती है मैं कहता हूँ सर मेरी कहानी स्क्रिप्ट वगैरह सब रेडी है, सर कहते हैं कितना चाहिए, मैं कहा सर इतना, ठीक है 5 मिनट बाद फोन आता है, देख बैंक अकाउंट चेक कर और कल से काम स्टार्ट कर। सबसे अच्छी बात है कि आई हैव फैमिली नाउ, विनोद सर, सुष्मिता शी इज डूइंग एज अ प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो, मतलब जब भी हम कुछ भी करते हैं
तो वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सब कुछ ठीक है लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए भी होती है। फैमिली का नाम आया ना तो अभी विनोद सर की मैम मतलब मैम और प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज कम ऑन द स्टेज, तो फिर साथ में हो जाएगा। तो सभी ने सभी तरीके और सभी ये फिल्म बनने के बाद भी बाद में मूसो के बारे में, मूसो जो मैंने फिल्म बनाई जिसको 5-6 अवार्ड्स मिले इंटरनेशनल, श्वेता बाद में बताया कि जो क्रिएटिव है ये इतना ईमानदार आदमी है कि सर ज्यादा 10 रुपया खर्चा होता है 6 रुपया कैसे हो, दिन भर कोई प्लानिंग में रहता था। और मुझे एहसान भाई की बात याद है, बोलता है तू अगर बिल्डर बन के मेरे पास आता था ना तो फिर तो लूट जाता था। अच्छा भाई इनके साथ आया। तो इन्होंने बहुत ही शरीफ आदमी, बहुत अच्छा यूपी खुद है, इनके साथ मेरी सफर पहली फिल्म के साथ ही है, फिर हमने दूसरी बनाई, फिर लखन जी के साथ सीरियल बनाया हमने जो भी पड़ी हुई है, सुधा चंद्रन और उनके साथ और वहाँ भी शूट के टाइम पे 1 बजे रात तक काम करके फिर सुबह 6 बजे उठ जाता था। जमीन पे लेट के कैमरा चलाया। डायरेक्शन और डीओपी एक साथ करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, और कभी कोई फाइट के सीन में सर मतलब फाइट चल रही है और ये नीचे ऐसे कैमरा लगा के एक्शन बता भी रहे और करवा भी रहे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। लॉन्च करते हैं अभी हम म्यूजिक लॉन्च करते हैं, उससे पहले आई रिक्वेस्ट मिस्टर हेगड़े जी टू कम ऑन द स्टेज, मिस्टर मोदक जी प्लीज, मिस्टर धनंजय जोशी। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देख रहे हैं पोस्टर ऑफ मूसो, ये जहां भी मिलेगा जिस थिएटर में मिलेगा खुश हो। ये हमारे दोस्त भी हैं और मेरे प्रोफेसर भी हैं। क्या भी है? आपके भी प्रोफेसर हैं? बहुत 20-25-30 साल से मुझे और खाली जी एक सेकंड प्लीज। ये हम लोग कम से कम 20-25 साल से, हालांकि खुद 25 साल के दिखते हैं। हम लोग रोज शाम को घाटों पर थे, हमारा रोज शाम का वॉक 1.5 घंटे का रहता था और आज तक सिलसिला चालू है। तभी आप एक और नहीं आ रहे थे मतलब कोने में पड़ा, तभी आप मार्केट में चले गए। हमारे कास्ट तो यहाँ है लेकिन हमारी जो टेक्निकल टीम है उससे आपका रूबरू हमने कराया, लेकिन एक्टर्स को कैरेक्टर्स को खूबसूरत लगने का लगाने दिखाने का हाथ हमारी मैडम स्मिता का है। शी इज मेकिंग, आई हैव माय टीम एज आर्टिस्ट मैनेजर्स, फ्यू ऑफ देम आर हियर, राहुल पठानिया, एवरीबॉडी इज एन एक्टर। लेकिन एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ आपके नोटिस के लिए कि हमारे बच्चों ने, हमारी टीम ने कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान जिम्मेदार नहीं था कि बस उसको वही काम दिया गया तो वो करे, इन लोगों ने ना दिन देखा है ना रात देखी है, ये बस डटे रहे और आज मूसो को जो अवार्ड्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ दीस पीपल। इसका नाम मैंने फोन पे अंकित मूसो रखा हुआ है क्योंकि ही इज अ वंडरफुल गाय। मुद्दा ये कॉलेज से ही उठता है और हमारे समाज से ही उठता है, काफ़ी हमारे रिलेटिव्स भी हैं, काफ़ी दोस्त हैं जिनके बच्चे ड्रग्स के चक्कर में काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, लग चुके हैं रास्ते से, वहीं से मुद्दा उठा और हमने डिसाइड किया कि अगर फिल्म बनानी है तो कुछ ना कुछ समाज को मैसेज दें, बस यही था। थैंक यू विजन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, काफ़ी सारे कलाकार जो नामी हैं, किरण कुमार जी हैं, उस्ताद खान जी हैं, कैसा काम का अनुभव था, डायरेक्शन के दौरान कैसा का अनुभव था? सबका काम काफ़ी अच्छा था, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत करी, उसके बाद फिल्म बन के अच्छी आई आपको समझ आ रहा है और
सर की मेहनत है, उनकी मामा की मेहनत है, इतने दिन सब लोगों ने टीम में मिलकर काम किया है फिल्म के लिए। काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है, आप सब लोग देखें ये चाहते हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ा मौका था कि मैंने ऐसे इंसान के साथ अपना डेब्यू किया जिसको मैं आइडियलाइज करती हूँ और सारे सिंगर्स आइडियलाइज करते हैं। सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद शान सर एंड हैविंग सम सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। और अबाउट द फिल्म, इट्स हार्ड वर्क, इट्स एवरीबडीज एफर्ट्स जो दिख रहा है स्क्रीन पे। एंड हम हर फिल्म से कुछ सीखते हैं, हम हर काम से कुछ सीखते हैं। हम पहली बार करते हैं काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, दूसरी बार करते हैं तो कम मिस्टेक्स करते हैं, तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। एंड आई विश कि हम ऐसे ही फिल्म भी ग्रो सामने आया है, काफ़ी सामने आया है और भी सब्जेक्ट्स है मेरे पास इस तरह के, बट ड्रग्स को लेके जब हमने फिल्म बनाने के लिए सोची, मैंने और हम दोनों ने सोचा, तो हमने डिसाइड किया कि हम इसी टॉपिक पे बनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी कुछ चीज़ें गुजरी है, हमारे दोस्तों के साथ गुजरा है, हमारे समाज में रोज़ हम आए दिन पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने बनाया। नहीं देखिए, मेरे लिए लव इन कॉलेज जो पहला बच्चा होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। लव इन कॉलेज से बहुत सारे एक्सपीरियंस हमने सीखा है, लव इन कॉलेज की टीम बड़ी खूबसूरत है, हमारे विशन बहुत, ये बहुत कम बात करता है बट बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मूसो एक ऑफबीट फिल्म है, मूसो एक अलग है कि एक इंग्लिश नॉवल है उसके ऊपर बनी हुई फिल्म है, और अच्छी बन गई और लोगों ने अवार्ड्स काफ़ी दिए, अभी भी 8-10 अवार्ड्स और मिलना है मुझे, इतना कॉन्फिडेंस है। उन्हें लॉस एंजलिस से मिला, लंदन से मिला, दिल्ली डायरोमो में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी मुझे सिलेक्शन हुआ है, तो बड़ी खूबसूरत फिल्म है। वो एक अलग फिल्म है, ये गलत, दोनों डिफरेंस फिल्म है। देखिए आपको अगर टीम अच्छी मिल गई तो बहुत ही आसान है, मुझे दोनों फिल्मों में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरी टीम बहुत अच्छी थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रोड्यूसर को तकलीफ तब होती है जब अननेसेसरली हर फील्ड में आप ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आगे भी नहीं हुआ, बट मेरे अगर हम अच्छे हैं तो सारा टीम अच्छा है, सब अच्छा हो जाए। इसके अलावा टीवी शो में भी अपने हाथ आजमाया, उसके और क्या करना है? टीवी शो में मैंने सुधा चंद्रन जी को, दर्पण श्रीवास्तव जी को और काफ़ी आर्टिस्ट हैं उनको लेके मैंने एक बेटियों के ऊपर मैंने एक सीरियल बनाया है जो अभी तक सबमिट है, इतने सेक्शन होगा तो शुरू करेंगे। अच्छा है, और कोई स्टोरीलाइन और कोई सब्जेक्ट इसका फिल्म बनाना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट? जी जी जी, एक एक है वो, लेकिन मैं मूसो और लव इन कॉलेज के बाद सोच रहा हूँ इसके बारे में, आप लोगों को बुलाऊँगा। सर अभी तो पहले मैं इनको सर समझता हूँ, फिर ये मेरे म्यूज़िक मैं से म्यूज़िक भी सीखता हूँ थोड़ा बहुत, तो अभी मैंने बड़ा भाई की तरह ही मानता हूँ, तो इज़ वेरी नाइस टू मी एक्चुअली विथ एवरीवन, जो भी इनके करीब आता है ना बस इनका ही हो जाता है, तो और हाँ आई विल ऑलवेज वेरी थैंकफुल फॉर हिम दैट ही इज़ गिवन मी द फर्स्ट चांस इन लव इन कॉलेज, तो आई एम डूइंग लीड, तो इट्स रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी एक्चुअली। सब कुछ मतलब है, रोमांस है, कॉमेडी है, एक्शन काफ़ी बेहतर है, किस तरह से एक्शन करने में आपको चुनौतियाँ? एक्शन करने में ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं मिली, क्योंकि एक्शन मास्टर सर ने बहुत ही बड़ा एक्शन मास्टर से मंगाया था नेपाल से, और यू नो अब रोड में भी जाते रहते तो एक्शन करते रहते हैं, तो उन्होंने पूरी का पूरा केबल था एक्चुअली, इट्स ऑल केबल स्टंट एंड ऑल, तो ज़्यादा पर प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक दो घंटे में मैंने लर्न करके सीख लिया, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क। और जो फिल्म का मुद्दा जो है ड्रग्स जी इस बारे में बोलूँगा कि सर को मैं बहुत ही थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, लोग ये बोलते हैं फिल्मों में जो ज़्यादा चलता है वही चला दो, वो दिखा दो, ऐसे सीन दिखा दो, वैसे सर स्ट्रिक्टली बोला था कि ये फिल्म फैमिली के लिए होनी चाहिए, और दूसरा था कि इसमें कुछ मैसेज होना चाहिए, जो मैसेज जिससे बच्चे यू नो बच्चों को मिले। और मैंने जैसे आपको अंदर भी बोला कि कल ही मैंने देखा कि एक फ्रेंड मेरा यू नो सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ दिस, ही वाज इन अ वेरी हाई ऑन इन ड्रग्स स्टेज एक्चुअली, तो मुझे लगता है कि अगर वो पहले वो फिल्म ये देख लेता या फिर देख लेता तो शायद वो बच जाता, मुझे ऐसा लगता है। इट्स वेरी गुड यू नो इन्फॉर्मेशन इन दिस फिल्म
that you know the newcomer should not take any type of drugs and any you know anything which is you know makes them high actually. So that is the message. मैंने प्रोजेक्ट किया था विद फ्रेशली ग्राउंड एंटरटेनमेंट सुर से शायद तक पलक कुचल के साथ पलक कुचल वॉज माई मेंटर प्लेयर और वो रिलीज भी हो गया ऑन एयर आया था ऑनलाइन एक्सएम एंड यू कैन स्टिल फाइंड इट टाइप द होल वीडियो ऑन यूट्यूब तो वो चल रहा है एंड देयर सो मेनी अदर प्रोजेक्ट्स विद द न्यूली ओटीटी प्लेटफॉर्म से एमिक्स प्लेयर तो उसमें भी यू नो आई एम देयर एज अ सिंगर सो इट विल बी रिलीजिंग सून जी मैं कहूँगा कि बच्चों को देखा जितने अच्छे तरीके से इन्होंने किया था कहानी जैसा प्रिंट तो इनके चेहरे मास्क में चेहरे पर एक आज की जनरेशन को क्या चाहिए तो वो बहुत ज़रूरी था उसके हिसाब से मैंने कहानी के हिसाब से लिरिक्स भी लिखे फिर उसे कंपोज किया फिर मैंने देखा कि इसमें मैंने ज़िद किया फिल्म की सबसे बड़ी कही कि मैंने प्रोड्यूसर से ज़िद किया जो मेरे दोस्त हैं कि ये गाना शान साहब से ही करना है क्योंकि मतलब नए के तो इन बच्चों का भी कैरियर थोड़ा अच्छा हो जाएगा और क्योंकि म्यूज़िक जो कहती है बनने के बाद पता चलता है कि उसकी क्वालिटी क्या तो उसके हिसाब से मैंने शान से करवाया कि इन बच्चों का भी कैरियर अच्छा रहेगा और उन्होंने बहुत दिल से गाया उसे और मुझे विश्वास है कि फिल्म इतनी अच्छी बन गई है म्यूज़िक भी अच्छा बन गया कहानी भी अच्छी है इसके डायरेक्टर विश्वम है ने बहुत अच्छा किया कोरियोग्राफर साहब ने बहुत अच्छा कोरियोग्राफी किया जो मुझे अच्छा लगा मुझे लगता है कि इसके ज़रिए लोगों को अच्छा लगे कि म्यूज़िक के ज़रिए लोग कम से कम उनके म्यूज़िक सुनकर ही लोग थिएटर तक चले जाएंगे और आप लोग का आशीर्वाद रहा आप लोग सब मीडिया वाले भी सपोर्ट करिए यही मेरी ख्वाहिश है सर आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आई थैंक्स टू विशन सर जो जिसने मुझे डायरेक्टर है और विनोद कुमार जी उसके प्रोड्यूसर हैं और राजेश सर जो मेरे सामने बैठे हैं म्यूजिक डायरेक्टर हैं और सपन जी जो लीड आर्टिस्ट कर रहे हैं और हमारी जो कोर टीम है जो बहुत अच्छी बढ़िया टीम है बहुत कम टाइम में ऐसा काम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल विनोद सर ने जो मुझे ब्रेक दिया क्योंकि आज की डेट में टैलेंट सबके पास है लेकिन ब्रेक नहीं मिलता है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेरी वेरी थैंक्स टू किशन सर जो इतना बड़ा ब्रेक मुझे दिया जो आपके मीडिया के थ्रू शायद से हो सके आज नहीं तो कल मैं किसी और मुकाम पे पहुंच जाऊं और सेकंड थिंग इस मूवी के जो गाने थे इज वेरी फंटास्टिक इसमें लव रोमांस एक्शन एंड धमाका एंड मैं चाहता हूँ कि आप एक थिएटर में जाकर इस पर्सन देखें और हमें इस मूवी के जरिए कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें थैंक यू सो मच इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करने का कि मतलब कंफर्टेबल इतना था कि ऐसा लग रहा था कि मेरी फर्स्ट मूवी है ही नहीं मतलब कि इन्होंने मतलब हर चीज़ को लेके मतलब बड़े कैरेक्टर से या हमारे जो कंपैरेटिव मैं जिनसे छोटी हूँ या बड़ी हूँ उनकी कैरेक्टर वाइज उनसे मतलब लेवल ही लग रहा था कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लीड नहीं है पैरेलल लीड है या कुछ भी मतलब प्रोड्यूसर इतने डाउन टू अर्थ डायरेक्टर इतने डाउन टू अर्थ और फुल ऑन मस्ती ऑन सेट था मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था कि लगा ही नहीं कि कब से शुरू हुई तब खत्म हो गई सर मैं मूवी के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि मूवी जो है वो एक बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है और आज के यूथ को एंकरेज करती है आज के यूथ को भटकने से बचाती है और सबसे बढ़िया इस बात इस मूवी की ये बात रही कि हमने एज अ फैमिली सब लोगों ने काम किया और मज़े में हम एक अच्छी चीज़ बना के ले आए और वो आज रिलीज़ हो रही है उससे ज़्यादा बड़ी खुशी क्या है कि सारे को एक्टर्स अपने और इतने सपोर्टिव प्लस हमारे जो विनोद सर हैं वो कमाल के थे जो प्रोड्यूसर सर हैं डायरेक्टर विशन सर की भी मैं तारीफ़ करूँगा कि बहुत डाउन टू अर्थ आदमी एडिटमेंट जैसे मैं बोल चुका हूँ कि वो नीचे लेट जाते थे ज़मीन पर कैमरा चलाते वक्त एज अ DOP एंड एज अ डायरेक्टर ये बहुत बड़े हौसले की बात है कि आप उस लेवल पे होके एक लेवल पे होके और फिर ज़मीन पे बिना चादर के एकदम नीचे लेट जाते थे बिकॉज दिस इज़ द डेडिकेशन अबाउट वर्क अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो फिर ऐसे प्रोडक्ट निकल के आते हैं सो ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था और एक शब्द में कहूँ तो इट्स वाओ वाओ सीरियसली वाओ हमारी पहली मूवी है जो रिलीज़ हो रही है और पहली मूवी रिलीज़ होना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मूवीज तो करते हैं बट रिलीज़ बहुत कम होती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और हम सब
अच्छे हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है और सारे आर्टिस्ट हमारे बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके और आगे भी मैं अच्छा काम करता रहूँगा और ये मूवी आप सब देखें जाकर, बहुत अच्छी लगेगी। कॉलेज के ऊपर है, स्टूडेंट के ऊपर है, आप सब जाकर देखें, आपको इन्जॉय होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा मूवी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। जैसा कि अंकित भाई ने और काजल जी ने बताया कि हर आर्टिस्ट की पहली इच्छा होती है कि वो काम करें और काम करें तो उसकी फिल्म स्क्रीन पे आए, अपने आप स्क्रीन पर देखे और उससे बड़ी खुशी की बात होती है कि वो रिलीज हो रही है और वो नासिब हो पाया है बहुत सारे लोगों की वजह से, हमारे प्रोड्यूसर की वजह से, डायरेक्टर की वजह से। ये फिल्म करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत मिला, ये मेरी पहली फीचर फिल्म है, सभी की पहली है, सभी पहले है, पर बहुत ही खुशी से काम किए और बस ये उम्मीद है कि फिल्म बहुत अच्छी सुपर हिट हो और 18 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज हो रही है तो सब लोग जाएं और देखें, एंजॉय करें, बहुत मजा आएगा, स्टूडेंट बेस है, सब कुछ है इस फिल्म में, सब मसाला है। खासकर ये फिल्म हम जैसे युवाओं के लिए बनी है, हम जैसे लोगों के लिए बनी है, क्योंकि ये ड्रग्स एडिक्ट के ऊपर है कि आप कैसे लोग हमारे किसी मतलब एडिक्ट हो जाते हैं, इसकी बेस पर बनाया, सबको देखना चाहिए और मैसेज देना, सब कुछ है, सब जाइए देखिए। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, फर्स्ट सॉन्ग है मेरा और विनोद का डेब्यू है मेरा, उन्होंने भरोसा करके गाना गाया मुझसे और हमारे अच्छा डांसिंग चेहरा वो अभिषेक के ऊपर है, नेगेटिव लीड के ऊपर है जो उनके ऊपर सॉन्ग है, अच्छा क्लाइमेट है, इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है तो एक्चुअली नेगेटिव लीड के ऊपर गाना है जो इन्होंने गाया है, बेबी फाड़ू है तेरा ये डांस, पर मैंने सुना था ना तो मुझे, मैंने सर को बोला था कि सर ये गाना मेरे ऊपर भी करवा दो तो कितनी प्यारी आवाज़ है इनकी तो, बट हाँ वो एक गाना इनका और जो कि काफ़ी अच्छा हिट नंबर है, मुझे लगता है वो काफ़ी हिट होगा, बस वही आई होप गाना हिट हो जाए, मूवी हिट हो जाए और सबके ब्लेसिंग्स आते रहे और सपन सिंगर, उनके बच्चे हैं, उनके एक और बच्चे हैं उत्सव तो जो नहीं आया, बट वो था वेरी गुड सिंगर।